चेहरा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई एक किसान की मौत। बताया गया कि किसान अपनी भैंसों को ढूंढने निकला था। रामनगर बीआरसी कार्यालय में लगी आग, दो कंप्यूटर जलकर हुए खाक। कार्यालय के स्टाफ ने पानी डालकर आग में पाया काबू, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी विधायक निधि से मंगाए 33 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीन, मैहर सिविल अस्पताल को सौंपा। 60 और कंसेंट्रेटर का किया ऑर्डर। संभागीय आयुक्त और रीवा रेंज आईजी पहुंचे सतना, कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण। मौके पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक रहे मौजूद। मैहर में पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी के मार्गदर्शन पे थाना प्रभारी बदेरा ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की कार्यवाही। कोठी में देर रात बारिश के दौरान भीगे गेहूं का मंडियों में जायजा लेने पहुंचे कोठी तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा और पटवारी। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं। सतना आरपीएफ की बड़ी कार्यवाही, रेलवे झुग्गी बस्ती सिविल लाइन सतना को देसी मदिरा बेचते हुए पकड़ा गया। मामले की आगे की कार्यवाही आबकारी विभाग द्वारा की जा रही है। की अपील की सतना पुलिस कंट्रोल रूम में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक लेते एसडीएम राजेश शाही व एसपी ने घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की। रीवा के सिरमौर थाना के मरेला गांव में युवक को घर के अंदर बांधकर पीटा गया और कर दी गई हत्या। आरोपियों ने शव को घर के बाहर सड़क पर फेंक दिया, पुलिस जांच में जुटी। ग्वालियर जया रोग अस्पताल में चल रहे नर्सों के धरने में पहुंचे पूर्व विधायक मन्नालाल गोयल और कहा कि आपकी हर समस्या का करेंगे निराकरण, लेकिन राष्ट्रीय आपदा में अपने दायित्वों को ना भूलें। मैहर में खुलेआम किया जा रहा है कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन। उमरी रोड स्थित किराना दुकान खोल डबल रेट में बेच रहे हैं लोगों को सामान, हो रही है मनमानी। नमस्कार, मैं हूं सेजल। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कोरोना से डरिए नहीं, दूरियां बनाए रखिए, फेस मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सुरक्षित रहिए। और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।